में जितने भी लोग आते हैं, नए लोग आते हैं, वो यू नो एक अच्छी बॉडी बना के आते हैं, डांस सीख के आते हैं, आपने ऐसी कोई तैयारी क्यों नहीं की? जलवा है हमारा, क्या बात है, जलवा है हमारा, पठान है ना इसलिए। Hey guys, welcome back to our channel. तो आज हम वापस आ गए बिल्कुल एक नई वीडियो के साथ, और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है पठान टिकटॉक वीडियोस। और पठान के एटीट्यूड टिकटॉक वीडियोस आपको बहुत अच्छा देखने लगता है, और हम लोगों ने भी पहली बार ही देखी थी उस टाइम, और वो लिटरली बहुत ज्यादा कमाल की थी। वो हमने डॉन वाली देखी थी जहाँ पे वो ऐसे था कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि उसका मर्डर करके आया चार चार लोगों के। हाँ, वो ऐसे था कि चिल था वो उस चीज से। और आज हम इनके पठान के टिकटॉक वीडियोस देखने वाले वापस एटीट्यूड वाली, तो इससे हमें पता लगेगा कि जो भाई पठान होते हैं वो एक्चुअली होते कैसे हैं। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो फिर आप भी देखिए हम भी देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। ए मैडम, बहुत हो गया तेरा डम-डम, चुप बैठने का, पता तेरी खोपड़ी में है ना वो क्या है इसकी खोपड़ी में, अरे वो तो लेडीज की खोपड़ी में होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, बस आपके पास तो लड़कियों को कौन सी चीज ज्यादा अट्रैक्ट करती है, मोह करता है कि माया करती है? आई मीन प्यार या पैसा? डेफिनेटली प्यार। ये सारे लड़की वाले पे क्यों हुई है? और इन कुफार की औकात ही क्या है, मोहम्मद अरबी का एक गुलाम इनके हजारों पर बारी है। आजकल फिल्मों में जितने भी लोग आते हैं, नए लोग आते हैं, वो यू नो एक अच्छी बॉडी बना के आते हैं, डांस सीख के आते हैं, आपने ऐसी कोई तैयारी क्यों नहीं की? जलवा है हमारा, क्या बात है, जलवा है हमारा, पठान है ना इसलिए। मतलब ये शायद एक ही आदमी की और मेरी अदालत में अदारी की सजा सिर्फ एक ही है, और वो है किसी ने सही बोला है, दोस्त से बड़ा दुश्मन कोई ना हो। दोस्त से बड़ा दुश्मन, हाँ कोई कोई दोस्त होते हैं ऐसे, वैसे ये बात सही बोली है, हम बोलते अग्री होते हैं। आपकी गर्लफ्रेंड है? नहीं। तो आपको चाहिए गर्लफ्रेंड? नहीं नहीं, मुझे गंदी चीजों का शौक है। एक्सक्यूज मी, मैं खुशी हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ। ये भी खुश है। मेरा नाम खुशी है, आपने पहचाना मुझे? मैं लड़कियों से 40 कदम दूर रहता हूँ। शादी किससे करेगा सर? अगर तुम चाहती हो कि मैं इनके पैर छूं, तो फिर भूल जाओ। हाँ दे यार। हे, ब्रेकअप। भाई ऐसा है कि टूटने कितनी जिंदगी छुट्टी भैया। लगता है इसको लड़कियों से नफरत है कुछ, दुश्मन। पर उस दिन तुमने ही तो कहा था कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। वो पुरानी बात है मैडम, जब दूध एक बार फट जाए ना पनीर बन जाता है, और पनीर होता है महंगा। अब मैं फट चुका हूँ इसीलिए महंगा हो गया हूँ। यार सारे पठान ऐसे होते हैं कि यही ऐसे, वो वाला वो भी ऐसे थे। ये मत सोचना कि सब भूल गए, वक्त आने पर सबकी ली जाएगी। तो अरे वाह, जरूर जाइए, लेकिन अकेले जाइए। वो बोल रही थी यार तेरी लड़ाई हुई तो मैं क्या करूं, और हम लड़के जानी पहला थप्पड़ तेरा भाई मारेगा। देखो वैसे कॉन्फिडेंट तो बहुत है, और आई थिंक वैसे
सर आपकी बहुत सारी फिल्में आई हैं और अगर तू इलेक्शन में खड़ा हो गया तो दो चार पार्टी तो डर के मारे अपना कैंडिडेट खड़ा ही नहीं करेंगे, जो रह गए वो प्रचार करने के लिए बाहर निकलेंगे नहीं। अरे ऐसे आसानी से इलेक्शन जीत जाएगा तू? किरदार ऐसा होना चाहिए कोई साथ दे या ना दे, रुतबा बरकरार होना चाहिए। बहुत ज्यादा लड़कियां बोलती हैं प्लीज मेरी दोस्त को हाथ मत लगाना, और हम लड़के एक बाप की औलाद है तो हाथ लगा के देख। मेरा एक एक थप्पड़ पड़ेगा जिसको, मामा कान से लेके कान तक दर्द है जिसको। यार क्या लड़का है ये, बचपन में ही तेरे रंग मैंने पहचान लिए थे बेशरम, इसलिए तुझे स्कूल से निकाला था मैंने। पर बहुत अच्छा किया आपने, क्योंकि अगर मैं पढ़ लिख जाता तो सलाह क्लर्क बनता, और किस्मत अच्छी होती तो सलाह अफसर। मगर अभी क्या है ना मास्टर जी, बड़े बड़े अफसरों की पतलून की ली हो जाती है मुझे दिक्कत। यार मुझे सबसे पहले ये जानना है कि सारे पठान ऐसे ही होते हैं क्या? हमने वो डॉन वाले देखे हैं ना, उनका एटीट्यूड उनका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे था। वो ऐसे थे कि आप उनसे पूछ रहे कि अब आप जेल से बाहर आओगे क्या करोगे, कहते मैं उनको वापस मर्डर करके आ जाऊंगा। तो और ये बंदा भी बहुत अलग है, ऐसे लग रहा था कि इसको लड़कियों से बहुत ज्यादा दिक्कत है, लड़की से दूरी बतानी चाहिए, बोला कि गर्लफ्रेंड वाली बात है, कि गंदी चीजों से बाहर बात नहीं करता है। हाँ, कोसो दूर रहता हूँ ऐसा करके। और एक रील तो खुशी के पर ही थी और लाइक काफी मतलब कि, लेकिन ये मेरे को इनका एक चीज बहुत अच्छी लगी, कॉन्फिडेंस इसमें बहुत ज्यादा था कि, और जो वो आईब्रोज से वो कर रहे थे ना वो भी मुझे बहुत कमाल का लगा। सीरियसली मेरे को ये कहना पड़ेगा, और ऐसे कहते हैं कि जो पठान होते हैं उनका बहुत बड़ा दिल होता है कि लाइक अगर उनसे कोई कुछ भी मांग ले ना वो कभी भी मना नहीं करते हैं। और अगर आप और चाहते हैं कि हम पठानों की वीडियोस पे रिएक्ट करें तो प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। तो गाइस यही था हमारा रिएक्शन, आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करें अगर आपने। बाय।